न्यूज फॉर नेशन की एक पुकार, घर पर रहिए सपरिवार, स्टे होम स्टे से। नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। जी हाँ, ये गाने की चंद लाइनें हैं, लेकिन यह इस समय बिल्कुल यह गाने की चंद लाइन फिट बैठती है। देश में, संपूर्ण देश में लॉकडाउन है और लॉकडाउन की स्थिति में कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल सकता है। लेकिन यहाँ पर इस समय हम हैं पटना साहिब यानी वार्ड नंबर 72 के शरीफागंज के पास, और आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, वो कहीं ना कहीं उन तक राहत जो सामग्रियां हैं, जो राहत वितरण हो रहा है, वो उन तक नहीं पहुंची है। समाज के वैसे लोग जिनको यह जिम्मेदारी दी गई है कि बिहार की हर जनता तक यह राहत जो है वो सामग्री उन तक पहुंचे, लेकिन उन सब के बीच में अगर किसी तरह का भेदभाव किया जाए तो यह बात समझ से परे है। इस समय हम हैं वार्ड नंबर 72 के शरीफागंज में, और यहाँ की जनता करीब 4 दिनों से करीब 20 ऐसे घर हैं जिनको राहत सामग्रियां अभी तक नहीं मिली है। हालांकि बिहार सरकार और साथ साथ जिला प्रशासन के सभी लोग जो हैं यह करने में लगे हुए कि किसी भी तरह से राहत सामग्री इन उन गरीबों तक, उन ठेला चालकों, उन रिक्शा चालकों तक पहुंचे जिनको जो रोज़ की कमाई करके यह अपना पेट जीवन यापन करते थे, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। करीब ऐसे 20 घर हैं जिनको अभी तक राहत सामग्री नहीं मिल पाई है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन तक राहत सामग्री अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाई है। जी आप बताइए कि आप तक राहत सामग्री अब तक पहुंची है कि नहीं? नहीं, नहीं पहुंचे हैं। हम सब बीमारी से नहीं मरेंगे, भूखे पेट मर जाएंगे। कुछ यहाँ प्रयास नहीं हो रहा है। कितने घरों को अभी तक नहीं मिला रहा? 20-25 घर के नहीं मिला है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है, जब 72 वार्ड में जाते हैं तो बोलता है 71 जाओ, 71 में आते हैं तो 72 बोलता है। कोई सुनवाई नहीं ले रहा है। किस वार्ड के हैं आप? हम 72 वार्ड के हैं। आपने पार्षद से आपने कहा इस तरह जो आपके साथ हो रहा है, किसकी शिकायत की है? शिकायत किए हैं। कौन है पार्षद आपकी? अवधेश कुमार मीरा देवी। क्या कहती हैं? कहती हैं कि 71 वार्ड में जाइए। आप लोगों को राशन नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कितने दिनों से भूखा है? भूखे हैं, कमाते हैं, खाते हैं, 4 दिन से भूखे पेटे सब मर जाएंगे, बाल बच्चा के लेकर के। तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि करीब 4 दिनों से वो भूखे हैं, उनके दरवाजे तक अभी तक कोई राहत सामग्री लेकर के नहीं पहुँचा है। एक अम्मा हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन तक यह राहत सामग्री अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाई है। क्योंकि हम आपको बता दें कि ये वही अम्मा हैं जिनका रो रो कर बुरा हाल है, करीब 4 दिनों से ये भूखे हैं और इनके दरवाजे तक राहत सामग्री अभी तक नहीं पहुंच पाई। इनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तक 4 दिनों से जो है हम भूखे हैं और कोई भी राहत सामग्री अभी तक लेके नहीं। सीधा हम बात करते हैं उनसे, जानते हैं। बताइए आप तक राहत सामग्री अभी तक ऐसे मांगबो करबे तो कहते जे ऐसा समस्या कहाँ से दियो, पैसों वाला कहते न दे तो केकरा से खाइए मांग के, घबराए तो घबरा में से पानी पिए। आप रो क्यों रही थे? रो इतना ही रह कर लीजिए, बाल बच्चा भूख मरे, हम तो बूढ़ती मर जाम तो दुख से न मरम, भूख से मर जाम। भूख ले बर्दाश्त होता है। एक शाम एक दोपहरिया में तनी नाश्ता कर रही तो दोपहर में भूख लगा। आई 24 घंटा के दिन और रात भूख ले बर्दाश्त होता है। आप लोग खाना कहाँ से खाना मिलते के दे है? कोई ओने देवे ना करे, एने देवे ना करे, बीच बीच में मर रही है। आपके वार्ड काउंसलर देते हैं कि नहीं? कोई ना। कौन है पार्षद आपके? मीरा देवी ना नाम है। हम अब जल्दी आई ना तो हम की अभ्यास है ना दे है। उनके लोग जो आते हैं राहत सामग्री बांटने के लिए, आप तक नहीं पहुंचता? ना पहुंचती तब कहला हम रोती। आप लोग मांगते नहीं हैं? मांगे तो 4-5 बार जाए बेलगा दिए, कैसे जाओ। हाँ, बाद में जाएगा झुट्टो के आशा है चौकट पर। कितने लोग हैं घर में आप लोग? हम तो 6 आदमी है, ज्यादा काहे कहे, 4 गो। खाना नहीं बन रहा? ना 6 आदमी ही, ज्यादा 2 गो बूढ़ा बूढ़ी और 4 गो पोता पोती पुतो।
जिहाती से चार दिन से। तो आप साफ तौर पर अम्मा को सुन सकते थे, करीब चार दिनों से वे भूखे हैं और घर में करीब छह सदस्य हैं और छह सदस्य को खाना अभी तक नसीब नहीं हो पा रहा है, जैसा कि ये लोग बोल रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो बाढ़ के जो पार्षद हैं यानी मीरा देवी हैं और वर्तमान में वो पटना नगर निगम की उप महापौर भी हैं, उन पर साफ तौर पर यह आरोप लगाया है इन्होंने कि उन तक हमने समस्याएं पहुंचाई हैं लेकिन फिर भी वो हम तक राहत सामग्रियाँ जो हैं वो अभी तक नहीं पहुँच पाई हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो जब भी जाते हैं तो हम लोग को वहाँ से यह बोल के भगा दिया जाता है कि आप जाइए वहाँ वार्ड 71 में मिलेगा, और वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ से भगा दिया जाता है कि वार्ड 72 में आप लोग जाइए वहाँ मिलेगा। कुछ और महिलाएं उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि उनके साथ क्या समस्या जी, आप बताइए कि क्या समस्या है। सेंटर पर रहते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, चार गो बाल बच्चा है, खाने बिनु बिलट रहा है, कोई काम धाम नहीं चल रहा है, किराया अलग तबाह है, कहाँ से खाएंगे, कैसे खाएंगे, कहाँ जाएं, कहूँ जाए लायक भी नहीं है, क्या कर सकते हैं। कितने दिनों से आप लोग भूखे हैं? भूखे हैं, कोई कोई से लेके पेट चलाते हैं, आधा पेट खाते हैं, बाल बच्चा भूखा रहता है, क्या करें, बोलते हैं कि खा ले यार दो मम्मी, कहाँ से देंगे, सरकार भी नहीं दे रहा है, हम कहाँ से खिलाएंगे, कोई मर्दाना के आमदनी भी नहीं है, हम लोग कहूँ जा नहीं सकते हैं, चार गो पाँच गो बाल बच्चा है, कैसे आप लोग राहत जो बांटने आता है उसको बोलते नहीं, बोले जाते हैं तो कहते हैं कि जाइए घर पे पहुंचा देंगे, हम लोग ऐसे में रहते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है खाने के लिए। कितने घरों में ऐसा है? पांच रेंटर है हम लोग, और भी कितने घर हैं जिनको इन्हें 20-25-37 तक हो जाएगा, तो किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला है, उधर उधरे से उधरे चल जाते हैं, रोड से उधरे, ये रोड से उधरे, हम लोग क्या कर सकते। तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं लोग महिलाओं के, यहाँ के महिलाओं के, उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ 20-25 मकान ऐसे हैं, घर वाले ऐसे हैं जिनको अभी तक राहत सामग्री नहीं मिल पाए, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि जो राहत सामग्री बांटने वाले लोग जो हैं, जिनको यह जिम्मेदारी दी गई है कि समाज के हर वर्ग तक, हर लोगों तक राहत सामग्री पहुंचे, लेकिन अगर वो ऐसा इस तरह से भेदभाव करते हैं तो इस समय के समय में तो यह ठीक नहीं कहा जा सकता है। एक और युवा हैं, उनसे हम पूछते हैं, जानते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ की, क्या स्थिति है बताइए। मजदूर आदमी है सर, कमाए खाए वाला आदमी है, चार गो बाल बच्चा किराए के रूम में रहते हैं, कोई चीज़ के व्यवस्था नहीं हो रहा है, जने तने जा रहे हैं मांगे तो उन्हें से वो भगा रहा है, उन्हें से वो भगा रहा है सर। किसके पास गए थे आप? अब रोड पर सर जो जो बढ़ता है हुआ हुआ चल जाते हैं कि कुछ तो राहत मिलेगा, वही सब कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। यहाँ वितरण हुआ है सामग्री का? सर मरगिन के अंतर सर वितरण हुआ है लेकिन बड़के बर्कन कर पहुँच जा रहा है, गरीबा के भी दिन पहुँच ही नहीं रहा है। कौन है पार्षद आपकी? ऐसे तो रहते हैं हम एक वार्ड नंबर 71 में, किरदार है सर, आज ही यहाँ तक बिहान हुआ। तो आप साफ तौर पर लोगों की समस्याएं सुन सकते थे, इस समय हम हैं वार्ड नंबर 72 के नूरपुर के पास और यहाँ पर 20-25 मकान ऐसे हैं जिन तक अभी तक राहत सामग्रियाँ नहीं पहुँच पाई है, लेकिन यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि बिहार सरकार और जिला प्रशासन ने जिस तरह से तैयारियाँ कर रखी थी कि लोगों तक हर जो राहत सामग्रियाँ हैं वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ठेला चालक हो, चाहे रिक्शा चालक हो, चाहे दैनिक मजदूरी करने वाले दिहाड़ी मजदूर हों, उन तक राहत सामग्री पहुँचे, लेकिन जो राहत सामग्री बांटने वाले लोग हैं वो अगर वही भेदभाव करने लगे तो यह समझ से परे, क्योंकि बिहार सरकार ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया था कि वार्ड में जो वार्ड में काउंसलर को जिम्मेदारी दी गई थी और पंचायतों मुखियाओं को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अपने जनता पर ध्यान रखे, लेकिन वही अब प्रतिनिधि जब भेदभाव अपने जनता से करने लगे तो यह बात समझ से परे हो जाती है। रजनीश, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना सिटी।